मेरे जितनी भड़ास है ना सब इस बंदे पे निकालने वाला हूँ आज। ये क्या चीज है, पटाखे वटाखे क्या अंदर क्या हो गया भाई? पीट क्या दिया यार, मैं आपको बहुत दिनों से, मेरे को लगा कुछ गाड़ी वाड़ी डूब गई। So, hey guys, good morning, welcome back to the new episode, guys. क्या हाल चाल है सब लोगों के? जब से ये 1000 लॉक की सीरीज शुरू करी है ना, लोगों का अलग ही मोहब्बत जुड़ चुकी है गाइज। एंड लास्ट लॉक्स जो डाले थे सुपर आगे, पीपल वर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट गाइज। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऑनलाइन फड्डे सब लोगों के चलते रहते हैं। बीच में कभी कोई किसी को मार रहा था, कभी कोई किसी को पीट रहा था, एंड ऑनलाइन फड्डे तो चल ही रहते। कोई कहीं फाइट कर रहा था, कोई कहीं फाइट कर रहा था। एक और फड्डा गाइज हमारा हुआ है थगेश भाई के साथ। हम लोग जा रहे हैं अभी थगेश भाई के पास गाइज। बहुत टाइम से हमारे बीच की ना लड़ाई चल रही थी, एंड ये लड़ाई ना बिल्कुल भी ऑनलाइन नहीं आई थी। बट मैंने कहा जब मैं बॉम्बे आई रखा तो उसको सॉर्ट कर लेता हूँ, बिकॉज ये ऑनलाइन बीफ करना इट्स ओके गाइज, मिल करके बात करना ही सॉर्ट इज द थिंग। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने लॉन्डे लेकर के थगेश भाई के पास फुल फाइट सीन्स करने के लिए। क्या लगता है रितिका, कौन जीतेगा? थगेश भाई जितनी ना दो बंदे खड़े करने पड़ेंगे। जस्ट किडिंग गाइस, थगेश भाई हैज लॉन्च्ड हिज न्यू शो एंड उसके लिए उन्होंने इनवाइट करा था। बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन होने वाले हैं एंड उन्हीं का आंसर देने के लिए हम लोग जा रहे हैं थगेश भाई के पास। यहाँ से 20-25 मिनट की लोकेशन है गाइस, लेट्स गो गाइस, फटाफट चलते हैं यहाँ से। सुपरा की चाबी रख ली रितिका? लेट्स गो सुपरा, मैं निकलते हैं यार यहाँ से। हम लोगों ने सब लोगों से तो मिल लिया, बट मैं आपको ना बच्चों वाली गैंग चेक कराता हूँ। बच्चों वाली गैंग इज ऑलरेडी ओजी गाइस, ये चेक करो। ये लोग ना पिछले 4 घंटे से वेट कर रहे हैं, 4 बल्कि कुछ बच्चे तो सुबह से गाइस। बस गेट उड़ा देंगे। फिलहाल के लिए हमारी लोकेशन लीक हो चुकी है, यहाँ से आने देंगे तभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं शूट के लिए। अच्छा भाई, थैंक यू सो मच फॉर द केक भाई, कांग्रेचुलेशन फॉर द सुपरा, शुक्रिया भाई, थैंक यू। फिलहाल के लिए सुपरा स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं गाइस। यार फाइनली हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अच्छा आप क्या हाल है भाई, ये चेक करो रोड पूरी ब्लॉक। एंड यही चीज़ होती है यार, हम लोगों ने ना होटल बहुत अलग जगह लिया था ताकि लीक ना हो लोकेशन, बट लोकेशन लीक हो चुकी है। फिलहाल अभी रोड भी जाम कर रहे हैं क्रॉस, आई होप निकल जाए यहाँ से जल्दी। मेरे को लगा कुछ हुआ। ओके गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं टनल के अंदर, और टनल के अंदर सुपरा के मजे आपको चेक कराते हैं बॉयज। ये ओके बॉयज, पहुंच चुके हैं हम लोग, हमारी सुपरा बाहर पार्क हो रही है। थगेश भाई का ऑफिस जहाँ पर है वहाँ मेन स्ट्रीम है, लोगों को पता लग गया ना तो सुपरा निकालनी मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए हम लोगों ने हाईलाइट्स को ब्लॉक करके आ रखा है। नीटू बिटू यहाँ पर रहेंगे, हम लोग जा रहे हैं ऊपर और चलते हैं शूट के लिए। लेट्स गो। हां जी, हो गया बढ़िया।
गाइस थोड़ा ऊपर होकर के बात मिलना पड़ता है सगेश भाई से। हो गई पार्किंग? पार्किंग होगी भाई, निकल नहीं पाएंगे भाई यहाँ से, लोगों को पता लग जाएगा ना हमारा होटल भी लीक हो रखा है, यहाँ से तो नहीं निकल पाएंगे हम लोग। इधर ही रुक जाओ फिर और क्या। ओके बॉयज, हम लोग पहुंच चुके हैं थगेश भाई के पास। एंड क्या हाल चाल थगेश भाई? एकदम फैंटास्टिक यार। जिन्हें पता है उन्हें पता है थगेश भाई और मेरी फ्रेंडशिप की कहानी कुछ अलग ही शुरू हुई थी। कैसे शुरू हुई थी पता है? कैसे हुई थी? हम लोग एक शो में मिले थे एंड उस शो में मैंने आपके सूट पर वो गिरा दिया था। अरे हाँ, क्रीम पैंट पे वो गिरा दिया था। तब से अब तक दुश्मन ही निकाल, तब से हम लोग दुश्मन खेल रहे हैं गाइस। मैंने कहा बॉट बीच में पोकिंग करते रहते हैं थगेश भाई, तो मिल करके बात कर ली जाए कि भाई चल क्या रहा है। तो इसीलिए आज सामने सामने थगेश भाई, आज सामने सामने हम लोग दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। इनको मैंने कुछ बहुत ही अतरंगी क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, लेट्स सी कितना आंसर कर पाए। इनको अभी तक मैंने बताया नहीं क्या पूछने वाला हूँ, बट पता चलेगा इनको जल्दी शूट पे। चाह रहे बस ऊपर शूट की लोकेशन पे, मेरे जितनी भड़ास है ना सब इस बंदे पे निकालने वाला हूँ आज। पता क्या होता है, जितने भी रोस्टर्स होते हैं ना वीडियोस में तो कुछ भी लाइक यू नो बोल देते हैं, बट जब सामने आकर के डील होता है तब देखते हैं कितना रोस्ट कर पाते हैं और कितनी बातचीत कर पाते हैं ना। देखेंगे देखेंगे बेटा, देखते हैं ऊपर लेकर के चलते हैं और करते हैं शूट। ओके यार, तो हम लोग पहुंच चुके हैं शूट वाली लोकेशन पे। चेक दिस आउट, ये रहा होल सेटअप। यहाँ पर इनके क्वेश्चंस के आंसर देने वालों में क्या क्या प्रिपेयर करा है। ओह सॉरी, थोड़ा सेकंड फ्लोर पे आकर के बात करना होता है गाइस। हाँ भाई मेरे को लग रहा है अभी से थोड़ा डर रहे हैं जवाब देने उनसे। डरूंगा क्या मैं भाई? ऐसे याद है ना कैसे गिराई थी उस दिन वो। ये भी गिरा भाई, अभी कोक लेके बैठा था मेरे को डर लग रहा था। ये क्वेश्चंस जो पूछने वाले हैं उसके लिए मैं ये मेरे को बहुत देर से बोल रहे हैं कि भाई जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनके लिए प्रिपेयर रहना। तो देखते हैं गाइस कौन भागते हैं। बट अमेजिंग सेटअप थगेश भाई, दिस इज व्हाट आई वुड टू कॉम्प्लीमेंट यू, बहुत मस्त सेटअप है ये, अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। मैंने रजत दलाल, मेरे को दीपक कलाल पता नहीं क्यों आ जाता है नाम से, रजत दलाल वाला मैंने एपिसोड देखा था भाई। भाई मारने तो नहीं आओगे ना इस दीपक कलाल के रेफरेंस से मेरे को। लेकिन मिलेंगे रजत भाई, जब भी मैं दिल्ली आऊंगा ना तो मैं आपसे मिलूंगा, क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे भाई। मैं तो सच्ची में सोच रहा था मैंने कहा मारने मुरने वाला सीन कर दिया भाई। ये सही कॉन्सेप्ट था वो है ना, वो सिर्फ एक ही एपिसोड में कर सकते थे, फिर कभी नहीं वो चलेगा ना। आपको रजत कभी कर पाएगा उसकी जिंदगी में ना मैं कभी कर पाऊंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोगों का कमेंट अगर सारा तुम मर जाओगे ना तो भी हमको स्क्रिप्टेड लगेगा। ऐसे कमेंट आए थे भाई। दो ही चीजें चल रही है यूट्यूब पे, एक एक्सपोज्ड और एक स्क्रिप्टेड कॉन्ट्रोवर्सी। भाई एक चीज तो बताओ, बचपन में आपने वो कॉम्प्लेन? नहीं कुछ, कभी कुछ नहीं। सारी बोतल अकेले खाली थी क्या? नहीं, रूटीन की जगह पे कॉम्प्लेन पीता था। होता था ना बचपन में हम लोग क्या करते थे, वो ग्लूकोज चोरी चोरी खाते थे, बोनविटा। थगेश भाई को भी रियल लाइफ मिल कैसा लगा? थगेश भाई काफी बड़े हैं, आई मीन थगेश भाई काफी बड़े हैं। भाई दोनों सेम ही था, सेम ही बोला तूने। अच्छा ओके, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा। नहीं नहीं डोंट वरी, फैमिली कंटेंट भाई। वाह वाह वाह, why I'm so happy by last 10 YouTubers bhai, thank you so much, on to next YouTuber। तो यार थगेश भाई का कंटेंट तो हम लोगों ने शूट कर लिया और क्या मस्त शूट करा है, बहुत बढ़िया एपिसोड बनाया भाई, क्रेजी। ऐसे से क्वेश्चन पूछे ना जो सोचे भी नहीं था और उस लेवल की इंटेंसिटी गई है। अनुराग भाई ने क्विट कर दिया। एक रोस्टर को रोस्ट होते भी नहीं देखा होगा आज से पहले, बट इस वाले एपिसोड में देखना जरूर। फिलहाल थगेश भाई को हम लोग लेके जा रहे हैं अपने नीचे। अब अनुराग भाई का कंटेंट के लिए, सुपर कार के साथ कंटेंट बनाने के लिए। मुझे लगता है इसकी छत खुलवानी पड़ेगी, थगेश भाई फिट नहीं आएंगे। हां भाई मैं आधा ही आऊंगा। आई डोंट थिंक सो, थगेश भाई ने आज से पहले ऐसा कुछ देखा होगा। मैंने नहीं देखा। नहीं देखा ना? इधर आओ, यहां पर खड़े हो, इधर आओ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। यहां पर खड़े रहो भाई, धुआं हुआ तो नहीं निकलेगा ना? कुछ धुआं नहीं आएगा यहाँ, बस यहाँ पर खड़े रहो, थगेश भाई का रिएक्शन चेक करने वाले। ठीक है, ये बहुत क्रेजी होने वाला है। फिलहाल हम लोग अपनी हाइलाइट सटा रहे हैं गाइस, जिन्हें पता उन्हें पता है क्यों। गाइस थगेश भाई का ये रिएक्शन खतरनाक होने वाला है। क्या उड़ उड़ तो नहीं जाऊंगा ना भाई? लेकिन सच्ची में आपके लिए पहली बार होगा ना? हाँ, आप देखना भी। ये तो फायरिंग वायरिंग है क्या? जिन्हें पता उन्हें पता क्या होने वाला है गाइस, थगेश भाई को नहीं पता उनके साथ क्या होने वाला है। थगेश भाई बस हमारी एलेक्स जा चुकी है, इधर आओ, यहाँ पर आप यहाँ पर खड़े रहो एकदम, ठीक है? यहाँ पर खड़े रहो और हम आपके रिएक्शन चेक करने वाले हैं। बाकी सब लोगों को पता होगा कि क्या रिएक्शन आने वाले हैं, बट ये चेक करो। अरे
है क्या अंदर? ये सब होता है सिस्टम MK4 सब कार में होता है MK4 है मालिक है ओ भाई कैसा लगा भाई गजब गजब पहली बार देखा ये चीज ये सब क्या है ये सब लीगल है क्या स्माइल करो सिस्टम पैर का चला छोर टोर मां लेग स्पेस बढ़ाना पड़ेगा मैं वीडियो गेम खेल रहा हूं कोई इसको ड्रिल करके आगे आगे ला सोनिक बूम कैसा लगा ये बताओ भाई डिंगर था भाई क्या था अभी फुल इंटेंसिटी नहीं है 70% 100% शीशा लगा गाइस हम लोग लेकर के निकल चुके हैं अपनी सुप्रा फ्रॉम पता नहीं कौन सी जगह थे गाइस फिलहाल अभी हम लोग यहां से जा रहे हैं इस होटल एंड थिंग इज मैं आपको बता देता हूं हम लोग ना सुप्रा लोड करवा रहे हैं बिकॉज रास्ते के स्पीड ब्रेकर्स ये नहीं झेल पाएगी ये बॉम्बे के स्पीड ब्रेकर्स नहीं झेल पा रही है एंड आई रियली वॉन्ट इट टू बी सेफ जब तक ये देहरादून पहुंचेगा तो इसीलिए गाइस हम लोग इसे लेकर के जा रहे हैं वापस होटल एंड होटल पे फ्लैट बेल्ट आ चुकी है एंड बॉम्बे से देहरादून पहुंचने में से मात्र एक दिन या दो दिन लगेंगे गाइस तब तक दिल्ली पहुंच जाएगी दिल्ली में ऑलरेडी अपनी लैम्बो आज पहुंच ही गई है भाई साहब इतने दिन बाद लैम्बो भी देखने के लिए मिलेगी फिलहाल के लिए गाइस पहुंचते होटल और मिलते हैं आपसे